नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे शादियों में बनने वाला मूंग दाल का हलवा। बिना दूध बिना मावा के बनाएंगे फ्रेंड्स, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मूंग की दाल ली है। इसे हम एक बर्तन में डाल करके इसे अच्छे से धुल लेते हैं, ताकि जितना भी इसका गंदा पानी है वो निकल जाए। और इसे फिर पानी को हम गिरा देते हैं। अब इसमें हम पानी को डाल करके इसे भिगो देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। 3 से 4 घंटे में हमारी दाल अच्छे से फूल जाएगी। और अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए ढक देंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, चलिए ढक्कन हटाते हैं। और ये देखिए, हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसे पीसने के लिए जो दाल में पानी है, वो सारा पानी हम निकाल कर इसे पीसेंगे। तो ये देखिए, दाल का पानी निकाल करके मैंने इसे अच्छे से पीस लिया। और चलिए अब हलवा बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप देसी घी लिया है। इसमें से 3/4 कप घी हम यहाँ पर डाल देंगे, और 1/4 कप घी हम बचा लेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। अब घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं, और घी के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून सूजी ली है। तो सूजी यहाँ पर डाल करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। सूजी डालने से हलवा का टेक्स्चर तो अच्छा आएगा ही। जब हम मूँग की दाल को भूनेंगे तो जो दाल है वो हमारी कढ़ाई में चिपकेगी नहीं। तो इसे चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। और अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे, और लो फ्लेम पर हम दाल को ऐड करेंगे। तो जो यहाँ पर हमने पीसी हुई दाल रखी थी, उसे यहाँ पर डाल देते हैं घी में। और अब लो फ्लेम पर ही हम दाल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े और दाल हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो सारा घी है वो दाल सोख कर जाएगी। तो देखिए, घी जो है वो दाल ने सोख कर लिया। और अब हम इसे लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। इसे भूनने में हमें कम से कम 30 से 35 मिनट लगेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना और लो फ्लेम पर भूनना है, और इसे चलाते रहना, ताकि जो दाल है वो नीचे लगे ना। तो ये देखिए, दाल को अभी मैंने सिर्फ 10 से 12 मिनट भूना है। और आप देख सकते हैं, जो इसका कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, और जो दाल है हमारी वो थोड़ी क्रम्बली टेक्सचर की हो गई है। अब इसे तब तक हम भूनेंगे जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता और दाल घी ना छोड़ दे। इसे चलाते रहेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल को 30 से 35 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं, इसका कलर लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, और दाल ने अब घी भी छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे 2 कप। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का यूज़ किया है। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखेंगे, और लो फ्लेम पर ही हम पानी को ऐड करेंगे। अब इसे मिला लेंगे, और इसके मिलाते ही अब हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है। तो 1 कप दाल के लिए 1 कप घी और 1 कप चीनी का यूज़ किया मैंने। 2 कप पानी यहाँ पर डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखिए, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम हलवे को तब तक पकाएंगे जब तक कि हलवा जो हमारा वो घी नहीं छोड़ देता। अब जो बाकी का बचा घी था वो भी यहाँ पर डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी क्रस्ट की हुई इलायची ली है, उसे डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हलवे का। और अब सब चीज़ों को मिलाते हुए हम हलवे को तब तक पकाएंगे जब तक कि हलवा हमारा घी नहीं छोड़ देता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हलवे ने घी छोड़ दिया, और कितना बढ़िया कलर आया है। एकदम शादियों में बनने वाला हलवा हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो बस अब इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे। घी देखिए साइड से छोड़ दिया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और चलिए हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर आया, और कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड्स। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। बनाने में तो आसान है ही, खाने में उतनी ही लाजवाब लगती है। बिना दूध बिना मावा का हमारा हलवा बन करके तैयार हो गया है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।